तो गाइस देख सकते हैं ये आ रहा है हमारी तरफ। तो गाइस हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है रूबी की पसंद जो 525 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं रोबोट जो खाना सर्व करता है। तो आज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ दिखाने वाले हैं हमारे जयपुर के अंदर। तो ये लोकेशन है राज मंदिर के जस्ट बगल में, लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी दिक्कत आप लोगों को नहीं लेनी है। बाकी ये दिखाने का सब कुछ करने का काम हमारा है। तो ये बेसमेंट में रहता है, तो इधर आप लोगों को आना है। तो बता दूँ कि मतलब आप लोग ढूंढो तो ये बेसमेंट में है, और बाकी ये लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और पूरा वीडियो देखो, मज़े आने वाले हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लो और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं रोबोट है अभी जो आने वाला है। यही वो रोबोट है जिसको मैं बता रहा था जो खाना सर्व करता है। देख सकते हैं ये आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। भाई के पास आ चुका है रोबोट। तो क्या ऑर्डर करोगे अकरम भाई? अकरम भाई देख रहे हैं मेन्यू कि क्या ऑर्डर करना है। रूबी की पसंद मंगवा, तो हम लोग अब मंगवाने वाले हैं रूबी की पसंद 525 की है, तो इसको ऑर्डर करते हैं। तो गाइस हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है रूबी की पसंद जो 525 रुपए की। तो अकरम भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब तुमने जो ऑर्डर करा है रूबी की पसंद, तो क्या मसला था ये? इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने, वहाँ पे आग वाग लगाई जाती थी और अच्छा अच्छा चाउमीन था, पनीर टिक्का था। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने ये मतलब वहाँ से देखा था? वैसे तो हमारे को हमारे अकरम भाई ने रिकमेंड करा था यहाँ पर जाओ, यहाँ पे रोबोट वोबोट का सिस्टम है, तो हम लोग आ गए। और बाकी यहाँ की डेकोरेशन है और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और टेबल हैं और मतलब सर्व करने का तरीका तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने बताया था मतलब अभी वो लेकर के आएगा, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैंने पहले दिखाता कि कैसे आता है वो रोबोट और कैसे चला जाता है। तो और वो बाकी बैठने का और सुकून है एकदम, यहाँ पर एकदम एकदम शांति है। और आप लोग यहाँ पर आओगे ना, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। गाइस देख सकते हैं अकरम वापस मेन्यू देख रहा, क्या देख रहा भाई इसमें? भाई देख रहा हूँ कितनी महंगी महंगी चीज़ें। आ जाओ, बस आने वाला है अपना ऑर्डर, और अकरम बहुत देर से वेट कर रहा है बैठा बैठा। तो वो बनने में क्या टाइम लग रहा है, जब तक हम थोड़ा वीडियो इधर उधर का शूट कर रहे थे। और बाकी यहाँ बैठने का सिस्टम देख सकते कितना ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग फ़ोटो शूट करिए आराम से,
एंट्री गेट ये वाला है, बाकी यहाँ ऊपर से उतर के यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सीधा आप लोगों को बताया था। ये देखिए सामने एक रोबोट है, बाकी इसके पीछे जस्ट किचन है और हमारा ऑर्डर आता है, फिर हम लोग खाते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है रूबी की पसंद। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा मतलब ऑसम लग रहा है ये देखने में। बाकी हम लोग इसे टेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे, तो करते हैं इसको अब टेस्ट। तो गाइस देख सकते हैं ये आ रहा है हमारी तरफ रोबोट हमारा खाना लेकर के, ये देखिए तो ये आ चुका है और इसके अंदर आप लोग डिश देख चुके हैं और ये आ रहा है, एकदम करीब आ चुका है मेरे। और तब इसे उठा लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। ये देखिए तो इसको यहाँ से एग्जिट दबाना पड़ता है तो ये वापस चला जाता है। तो अब देख सकते हैं ये हमारी डिश है, तो हम लोग अब इसे खाते हैं फटाफट से। तो गाइस अब हम लोग इसको करेंगे स्टार्ट, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये इसको खाते हैं हम लोग तो बताते हैं आपको। ये पता नहीं क्या है ये शायद, तो गाइस इसका नाम है चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो हम लोग और बाकी ये देखिए, ये है पनीर टिक्का शायद। ये भाई साहब रूबी की पसंद है, हम लोग की पसंद देखते हैं कैसी है, कैसा लगता है। और बाकी ये आ गई है चाउमीन, तो ये आ गई चाउमीन। और जो भाई साहब फेवरेट है अपना पास्ता, तो ये आ गया है हमारा पास्ता। भाई साहब 525 रुपये में सही तो है लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं मज़ा आने वाला है, बस ये पता है मुझे। तो हम लोग इसे करते हैं टेस्ट, पहले करते हैं पनीर टिक्का को। ये देखिए, ये देखिए, ओए होए, ये देखिए, अच्छा टेस्ट है। बाकी ये है और खाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, गर्मा गर्म मिलेगा। चाउमीन को टेस्ट करते हैं, यहाँ की कैसी चाउमीन है। हम लोग ने बाहर तो हमेशा खाई है लेकिन आज यहाँ की खाता हूँ मैं। चाउमीन ज़्यादा खास नहीं है, बस सही है। ये पास्ता टेस्ट करते हैं कैसा है। पास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पास्ता का टेस्ट अच्छा है। पास्ता खाने में मज़ा आ रहा है और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ज़रूर आना यहाँ पर, मज़ा आ जाएंगे आप लोगों को। और हम लोग तो गाइस अब हम लोग ये खाने वाले हैं। ये देख सकते हैं, सही है, ज़्यादा खास नहीं। पास्ता और भाई साहब पनीर टिक्का दोनों में मज़ा आ गया, पनीर टिक्का और खाते हैं सर। पास्ते ने तो भाई मज़े दिला दिए, तीन लोग आराम से खा लोगे, मज़ा आ गया मुझे। तो अगर हम भाई कैसा लग रहा है खाने में ये बताओ। पास्ता का टेस्ट अच्छा है। अच्छा, और चाउमीन का? चाउमीन का थोड़ा बहुत सही है बट पतली पतली है।
अच्छा अच्छा ठेले पे मोटी वाली मिलती है वो। ओह ठेले वाली आपको ज़्यादा पसंद है लगता है। इससे ज़्यादा अच्छी है, खाते हो? अच्छा टेस्ट नहीं करा था आपने। तो पनीर टिक्का कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बड़े पनीर है। अच्छा अच्छा। और पास्ता? पास्ता तो आपने बता ही दिया। और आपने गार्लिक ब्रेड नहीं खाया है, तो एक बार गार्लिक ब्रेड खा के बताइए कि कैसा है गार्लिक ब्रेड। वो सॉफ्ट है और चीज़ है, अदरक का स्वाद आ रहा है। अच्छा बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच आपने बताया अकरम। आराम से दो जने खा सकते हैं, आराम नहीं तीन भी खा सकते हैं मेरे हिसाब से अकरम इसको। हाँ तीन जने खा सकते हैं, और जो ज़्यादा खाने वाला हो वो एक एक ही खा सकता है। अकेला भी पूरी खत्म कर सकता है, अकेला भी पूरी खत्म कर सकता है। पत्ता गोभी है वो भी खा सकते हैं यहाँ पे, हेल्दी होते जो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बस आज की व्लॉगिंग करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलूँगा आप लोगों को इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।